आयशा सुसाइड केस में गुजरात पुलिस को मिली कामयाबी। गुजरात पुलिस ने आयशा के पति आरिफ को पाली जिले से किया गिरफ्तार। आरिफ आयशा के आत्महत्या के बाद से ही चल रहा था फरार। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा आयशा बहुचर्चित आत्महत्या प्रकरण मामले में उसके आरोपी पति आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, पुलिस किस प्रकार आरोपी आरिफ को पकड़कर ले जा रही है। वहीं आपको हम बता दें, अहमदाबाद पुलिस ने लगातार लोकेशन के आधार पर जालौर, पाली, सिरोही में जगह जगह पर दबिश दी और देखिए आखिरकार आयशा का पति आरिफ पुलिस के हत्थे चढ़ गया और गुजरात पुलिस द्वारा उसे गुजरात ले जाया गया। वहीं इस मामले की बात करें तो आयशा जिसने आरिफ से शादी की थी वो गुजरात की रहने वाली और उसका बचपन से ही जालौर से एक लगाव था, क्योंकि जालौर में आयशा का ननियाल था और उसी दरमियान आयशा को आरिफ से मोहब्बत हुई और दोनों की शादियां हुई। लेकिन 2 से 3 साल के इस रिश्ते में आरिफ ने दहेज की लालच में कई बार उसे अपने पियर गुजरात छोड़ दिया। आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें जिसमें आरोपी आरिफ को गुजरात पुलिस ने पाली से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि अहमदाबाद की साबरमती नदी में 26 फरवरी की शाम को नदी में कूदकर आयशा ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं युवती ने आत्महत्या करने से पहले अपना वीडियो जारी कर अपने माता पिता दोस्तों सहित अपने पति को भेजा था। वहीं अपने मोबाइल से अपने पति को काफी देर फोन पर बातचीत भी की थी। वहीं आयशा ने अंतिम बार अपने माता पिता से बात की थी, जो बहुत ही भावुक व मार्मिक बातें थी जो हर किसी को झकझोर देती है। आखिरकार इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण है उसको लेकर अब गुजरात पुलिस इसके तह में जाएगी। और आखिरी में जो 25 से 27 मिनट आयशा और आरिफ की बात हुई थी उसमें किस प्रकार की बातचीत हुई थी उसको लेकर भी गुजरात पुलिस तहकीकात करेगी। तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें, गुजरात पुलिस जो लगातार आरोपी आरिफ को लेकर ढूंढने के प्रयास कर रही थी, तो आखिरकार पाली, जालौर, सिरोही में लगातार टीमों द्वारा दबिश दी गई और पाली से एक आयशा के पति आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसे गुजरात पुलिस द्वारा गुजरात ले जाया गया। वहीं पुलिस लगातार इस मामले को लेकर इसमें जांच पड़ताल कर रही है। आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले आप आरिफ की तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से गुजरात पुलिस द्वारा इस आरोपी आरिफ को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया और उसे गुजरात ले जाया गया। तो ये सबसे पहले हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से, कैश विड्रॉल कर दो, नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे, चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले।